हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने से पूर्व ये सात बातें अवश्य जानें। जी हाँ दोस्तों, गणपति उत्सव पर हम सभी अपने घर में श्री गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, गणेश का विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन दोस्तों आप अवश्य ध्यान रखें कि आप श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं वो किस प्रकार से करनी चाहिए। यानी कि जब भी आप गणेश स्थापना करें तो ये सात बातें अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों ये सात बातें जानने से आपको समझ में आएगा कि गणेश प्रतिमा किस दिशा में, किस ओर और कैसी स्थापन करनी चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, श्री गणेश जी की स्थापना करने से पहले ये सात बातें अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, पहली बात, बाई तरफ सूंड। जी हाँ, आप जिस मूर्ति को घर में स्थापित करें उसकी सूंड बाई ओर होनी चाहिए, जो उनकी माँ गौरी के प्रति उनका प्यार दर्शाती है। कई लोग माँ गौरी और भगवान गणेश को एक साथ पूजते हैं, इसलिए घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति की सूंड की दिशा अवश्य ध्यान दें। यानी कि दोस्तों ये बाई तरफ सूंड होनी चाहिए। तो दोस्तों, नंबर दो, पीठ ना दिखे। जी हाँ, भगवान गणेश की मूर्ति घर में इस तरफ इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए कि उनकी पीठ घर के किसी भी कमरे की ओर ना हो। श्री गणेश की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है, अतः इस बात को ध्यान रखें कि घर में रखी कोई भी गणेश की प्रतिमा की पीठ घर के बाहर की तरफ ही रहे और वहाँ आपको कोई भी कमरा ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आप अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर तीन, दक्षिण दिशा वर्जित। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दिशा करके न स्थापित करें। भगवान गणेश को पूर्व या पश्चिम की ओर स्थापित करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि आपका पूजा का कमरा भी दक्षिण की ओर दिशा में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, नंबर चार, टॉयलेट। भगवान गणेश को कभी भी उस दीवार पर स्थापित ना करें जो टॉयलेट की दीवार से जुड़ी हुई हो। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। नंबर पाँच, चांदी के गणेश। कई परिवार घरों में चांदी भगवान गणेश को स्थापित करते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान गणेश चांदी के हैं तो उसे उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करें। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। नंबर छः, उत्तर पूर्व। आपके घर में जो उत्तर पूर्व कोना हो उसमें भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करना सबसे शुभ होता है। अगर आपके घर में इस दिशा का कोना न हो तो परेशान न हो, पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों अवश्य स्थापित करें। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। नंबर सात, सीढ़ियों के नीचे। अगर आप डुप्लेक्स या बंगले में रहते हैं तो कभी भी सीढ़ियों के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित ना करें, क्योंकि सारा दिन सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और धर्म के अनुसार ये ईश्वर का अपमान है। वास्तु के हिसाब से ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य, दारिद्रता आती है, अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस तरह सात पॉइंट्स है, इस पर अवश्य गौर करें। और दोस्तों, ये सात पॉइंट ध्यान में रखकर ही आप गणेश स्थापना अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम गणपति नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।